हेलो व्यूअर्स, ये है वीओ फ्लिक्स और आप देख रहे हैं कि अब तक देविना बनर्जी ने किन किन टीवी सीरियल्स में काम किया है। देविना ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2006 से की थी। से 2007 तक डेब्यू किया तमिल शो मायावी में, जिसमें उन्होंने शक्ति का किरदार निभाया था। फिर 2008 से 2009 में डेब्यू किया हिंदी टीवी शो रामायण में, जिसमें उन्होंने सीता का किरदार निभाया था। फिर 2009 में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई पति पत्नी और वो में। फिर 2010 में काम किया सोनी टीवी के शो आहट में, जिसमें उन्होंने काजल का किरदार निभाया था। फिर 2011 से 2014 तक लीड रोल किया सब टीवी के शो चिड़ियाघर में, जिसमें उन्होंने मयूरी का किरदार निभाया था। फिर 2011 में वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई जोर का झटका में। फिर 2011 में ही नजर आई स्टार या रॉक स्टार में, जिसमें वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी। फिर 2013 में लाइफ ओके के शो वेलकम बाजी मेहमान नवाजी की, जिसमें वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी। फिर 2013 में नच बलिए श्रीमान वर्सेस श्रीमती में वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी। फिर 2013 से 2014 तक स्टार प्लस के शो नच बलिए सीजन 6 में वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी और वो वनस्टी रनर अप रही थी। फिर 2014 में कलर्स टीवी के शो फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन 5 में वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी और थर्ड रनर अप रही थी। फिर 2014 में ही बिग मैजिक के शो नादानिया में वो चंदू के एक फ्रेंड के रोल में नजर आई थी। फिर 2015 से 2016 तक सब टीवी के शो यम है हम में वो धूम्रोना के किरदार में नजर आई थी। फिर 2015 में वो आयन टीवी के शो किलर कराव के अटका तो लटका में वो कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आई थी। फिर 2016 में द कपिल शर्मा शो में वो कीकू शारदा की वाइफ के किरदार में नजर आई थी। फिर 2016 में ही कॉमेडी नाइट बचाओ में वो हिमसेल्फ के तौर पर गेस्ट अपीयरेंस दिया था। फिर 2016 में लीड रोल किया सब टीवी के शो डॉक्टर मधुमती ऑन ड्यूटी में, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मधुमती का किरदार निभाया था। फिर 2016 से 2017 तक नजर आई एन टीवी के शो संतोषी माँ में, जिसमें उन्होंने पोलमी माँ का किरदार निभाया था। फिर 2017 में नजर आई सब टीवी के शो तेनाली रामा में, जिसमें उन्होंने मोहिनी का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। फिर 2018 में स्टार प्लस के शो खिचड़ी रिटर्न्स में वो उन्होंने पेंटर का एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। फिर 2018 में ही आई एन टीवी के शो लाल इश्क में वो विद्या के एक एपिसोडिक रोल में नजर आई थी। फिर 2019 में कलर्स टीवी के शो किचन चैंपियंस में उन्होंने हिमसेल्फ के तौर पर गेस्ट अपीयरेंस दिया था। फिर 2019 में ही कलर्स टीवी के शो विश में उन्होंने शबरीना का एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। फिर 2019 में ही कलर्स टीवी के ही शो खतरा 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 में उन्होंने हिमसेल्फ के तौर पर गेस्ट अपीयरेंस दिया था। फिर 2020 में सब टीवी के शो अलादीन नाम तो सुना होगा में मलिका का एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। फिर 2021 में जी टीवी के शो मीत बदलेगी दुनिया की रीत में उन्होंने एक गेस्ट अपीयरेंस दिया था। 2022 में उन्होंने कलर्स टीवी के शो बिग बॉस सीजन 15 में उन्होंने एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस दिया था। तो ये थे अब तक के देविना बनर्जी के टीवी सीरियल्स। इनमें से कौन सा आया आपको सबसे ज़्यादा पसंद, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीओ फ्लिक्स।